आजकल के लीडरों में एक आदमी मुझे बहुत पसंद आता है, वह चंद्रशेखर रावत। स्पष्टता है उस आदमी में, किसी को गाली नहीं देता, अपनी बात करता है, सामान्य घर से उठा हुआ आदमी है। हम तो भगवान से कहेंगे चंद्रशेखर रावण को ही पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो, और फिर चंद्रशेखर रावण से मैं पर्सनली जाके कहूंगा कि भैया जातिवाद खत्म कर दो, ऑफिशियली खत्म कर दो, कानून बना के खत्म कर दो कि ये दोबारा अपना सर ना उठा पाए। पर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा जब हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो फहराए झंडा चंद्रशेखर रावण जी, और हमारी इस अपील को जब वो सुने प्रधानमंत्री। वीडियो में दिख रहे इस चेहरे को तो आप भले भांति जानते होंगे, यूपी के गोंडा से ताल्लुक रखने वाले अवध प्रताप ओझा, यूपीएससी शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, जिन्हें आप और हम ओझा सर के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ घंटों से ओझा सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर बड़ी बात कही है। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि आजकल के नेताओं में उन्हें सामान्य परिवार से आने वाले चंद्रशेखर रावत बहुत पसंद हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उन्हीं को पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कभी उनसे मिला तो कहूंगा कि कानून बनाकर जातिवाद को देश से हमेशा के लिए खत्म कर दो। ओझा सर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, और वही बात अगर उभरते हुए नेता, ऊर्जावान नेता चंद्रशेखर आजाद की करें तो राजनीतिक कद भी उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह बात भले ही उनके विरोधियों के गले ना उतरे, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से जानना चाहते हैं कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ओझा सर की बातों से। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर भी जरूर करें। और हम तो भगवान से कहेंगे चंद्रशेखर रावण को ही पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो, और फिर चंद्रशेखर रावण से मैं पर्सनली जाके कहूंगा कि भैया जातिवाद खत्म कर दो, ऑफिशियली खत्म कर दो, कानून बना के खत्म कर दो कि ये दोबारा अपना सर ना उठा पाए। पर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा जब हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो फहराए झंडा चंद्रशेखर रावण जी, और हमारी इस अपील को जब वो सुने प्रधानमंत्री।